नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। औरैया में बीजेपी के जिला महामंत्री आशुतोष सिंह गौर ने जिला प्रशासन पर तथ्य छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन ने जलभराव की समस्या को हल नहीं किया है और सिर्फ कागजों पर ही दिखाया है कि जलभराव की समस्या हल हो गई है। वहीं जलभराव से किसानों की फसल पूरी तरह से डूब कर खराब हो चुकी है। आपको बताते चलें कि जिला मंत्री आशुतोष सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कराने की मांग भी की है। साथ ही प्रशासन पर तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ, यह आरोप मंत्री की तरफ से लगाया गया है और उसके बाद मीटिंग कराने की भी मांग की है। लखनऊ में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। जी हां, आपको बताते चलें कि लखनऊ में 14 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। वहीं धवल जायसवाल चित्रकूट के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं, साथ ही अंकित मित्तल एसपी रामपुर बनाए गए हैं। तो बता दें, एक बार फिर से बड़े स्तर पर यूपी में तबादले किए गए हैं और 14 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिनमें से कई के इधर उधर भेजा गया है और ये तबादले 14 अफसरों के हुए हैं। साथ ही बता दें, धवल जायसवाल चित्रकूट के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं और अंकित मित्तल एसपी बनाए गए हैं रामपुर के। कानपुर देहात में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिन पर प्रशासन का भी कोई जोर नहीं है। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। वहीं आज एक बार फिर जनई में स्थित बाणेश्वर शिव मंदिर के बाहर से चोरी की खबर सामने आई है। आपको बताते चलें कि जनई बनीपारा में स्थित भोलेनाथ के मंदिर के बाहर से दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गई, जबकि सूचना पर पुलिस बाइक और चोरों की तलाश में जुट गई है। कानपुर देहात में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। बता दें, रूरा थाना क्षेत्र के तंगाई गांव के पास श्रद्धालुओं से भरा तेज रफ्तार लोटा अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद भीषण हादसे में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बता दें, एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है और हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कासगंज में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में सिकंदरापुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने अभियान के तहत फायरिंग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से 315 बोर की लाइसेंसी राइफल, 8 जिंदा और 2 खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भी भेज दिया गया है। कासगंज में पुलिस ने नाबालिग लड़के की हत्या के मामले में खुलासा किया है और खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही नाबालिग से कुकर्म कर उसकी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। के 18 जून 2021 को थाना सहावर में एक बच्चे के, एक बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में जो है वो लिखी गई। बाद में वो 363 में जो है वो कन्वर्ट किया गया और इसमें इस बालक की हम लोगों ने काफ़ी पुलिस ने ढूंढने का प्रयास इसमें किया और 19/6/2021 को थाना पुलिस की टीम को इसका शव बरामद न करने में कामयाबी प्राप्त हुई। मेन बाजार के एक दुकान में से इसका शव जो है बच्चे का बरामद हुआ। मौके से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके साथ कुकर्म होने की जो है वो पता चला, साथ ही में स्ट्रैंगुलेशन
यानी गला घुटने से इसकी मृत्यु न होने की भी न खबर पुलिस को प्राप्त हुई। अस्पताल से सुरागरसी करते हुए मुखबिर की सूचना पे नकल जो है इसके मुलजिम मुसाहिद सनौफ नमुस्ताक कुरैशी उम्र 40 वर्ष रहने वाला कुरैशियान सहावर का इसको गिरफ्तार न करने में पुलिस को सफलता प्राप्त न हुई है। विधिक कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। इस मुकदमे को 302/377/201/3/4 पॉक्सो एक्ट में कन्वर्ट किया गया है। प्रबल पैरवी करते हुए इस व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा न दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 28 सलीमगढ़ पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल टोल प्लाजा के बीच अज्ञात बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर जमकर फायरिंग की, जिसे तरिया सुजान थाने में तैनात सिपाही रविशंकर तिवारी को गोली लगने से वो घायल हो गए। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने अचानक पीछे से फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद एक बदमाश घायल हो गया है। बता दें पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, जबकि एक बदमाश भी घायल बताया जा रहा है, जिसके बाद मुठभेड़ के बाद दोनों को एक बदमाश को और पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। तो बता दें कुशीपुर का यह पूरा मामला है। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि एक बदमाश के भी गोली लगी है, जिसके बाद इस पूरी घटना के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने अचानक पीछे से फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि इस पूरी घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। तरिया सुजान थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दोनों को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अंबेडकर नगर में आलापुर थाना क्षेत्र के विमावल गांव के बाहर पार्क में विवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को घर से संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक महिला गायब हो गई थी। आपको बताते चलें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक महिला के चेहरे को तेजाब से बुरी तरह से जलाया गया है। वहीं मायके पक्ष ने पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बताया है। तो बता दें महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 5 अगस्त को ही विवाहिता घर से गायब हो गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में। वही शव मिलने के बाद पुलिस जांच में सामने आया है कि उसके मुंह पर तेजाब डाला गया था और बुरी तरह से उसका मुंह झुलसा हुआ मिला है। वहीं लड़की के परिवार वालों ने पूरे मामले को लेकर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। साथ ही बता दें मायके पक्ष ने पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बताया है। 5 अगस्त को ये महिला गायब हो गई थी घर से, जिसके बाद अब उसका शव बरामद किया है। बलिया में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से गंगा नदी उफान पर बह रही है। आपको बताते चलें कि गंगा का पानी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रहा है। ऐसे में बलिया की सदर और बारिया तहसील के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों की फसलें बाढ़ में पूरी तरह से डूब गई हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों के आवागमन में भी भारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाढ़ग्रस्त गांवों के लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर गए हैं। ऐसे में बाढ़ के चलते पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे का संकट भी खड़ा हो गया है, जबकि प्रशासनिक अफसर बाढ़ और राहत कार्य को लेकर कवायद में जुटे हुए हैं और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही किसी भी आपदा से निपटने के लिए मुस्तैद वो एनडीआरएफ की टीमें लगातार नजर आ रही है, जबकि बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन, राजस्व और सिंचाई विभाग की टीमें हालात पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं और नियंत्रण की कवायदों में जुटी हुई है। हम लोगों की पूरी तरह से व्यवस्था है, हम लोग दिन रात उसकी निगरानी कर रहे हैं और हमारे स्टाफ और हम लोग पूरी दिन रात निगरानी कर रहे हैं, मेरे अधिकारी भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ मतलब पानी ऊपर आने की संभावना है वहाँ पर हम लोग पहले से ही और इसी बैकाल में उसके प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कहीं पे दिक्कत आने सर, कहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा लग रहा है आप लोगों को नजर आ रहा है?
क्या नाम है, कहीं नहीं है, सबको एक तरह से मतलब प्रोटेक्ट कर ही लिया है। कितना पानी बढ़ने का आता है? देखिए अभी तो ऊपर से पानी बढ़ ही रहा है, जहाँ तक तो हो सकता है 60-70 सेंटीमीटर। बाढ़ नियंत्रण में है अभी, जिस रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद बताई गई थी उतना तो भयावह नहीं है, लेकिन अब गांव में पसरने लगा है और लोगों को अलर्ट कर दिया गया था, तो वीके पर ज़्यादातर आ गए। इसमें किस तरह की सहायता दी जा रही है और क्या क्या प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है? सहायता के लिए सबसे पहले तो वीके पर आने से पहले सब साफ सफाई करा करके बिजली की व्यवस्था कराई गई, इसलिए सांप निकलते हैं, और मिट्टी का तेल क्योंकि बिजली काट दिया गया है इसलिए उसको उपलब्ध कराना है, क्योंकि ज़िले में सप्लाई होती नहीं, इसलिए वो मुगल सराय या लखनऊ से आ रहा है, वो 5-5:30 बजे तक आने की उम्मीद है रास्ते में है, तो हम बांटने के लिए लिस्ट बना लिए, उनको हम देंगे। कितने लगभग सर कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं? कुल 5 ग्राम सभाएँ हैं राजस्व ग्राम और उसके 13 मजरे। सर उन लोगों को रहने की कहाँ व्यवस्था की गई है? वो देखिए यहाँ की जो मेंटेलिटी है वो हमारे बाढ़ शिविर में नहीं आती, बल्कि चूँकि हर वर्ष ये बाढ़ आती है इसलिए वो भीके पर अपने अस्थायी झोपड़ी लगाए रहते हैं। मैं NDRF 11th Battalion सोनारती से हूँ और हमारी जो टीम है रेस्क्यू के लिए बलिया में आ चुकी है और हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन से जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट है हम ला चुके हैं और हमारी अलर्ट टीम ऑलरेडी पीछे लगी हुई है। जैसे अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है कि भाई इस टीम के अलावा और किसी टीम की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम अलर्ट पे है, तुरंत यहाँ पर आएगी हमारे साथ जितने भी इक्विपमेंट। क्या स्थिति है बाढ़ की? बाढ़ की स्थिति तो देखिए मतलब देखा जाए तो पानी तो बढ़ा है, बट जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है मतलब एक लेवल जहाँ तक है वो खतरे के निशान के लगभग है, तो इस कंडीशन में हम तो यही कहेंगे कि जो इस इलाके में रहने वाले बाढ़ से सटे हुए जो गांव हैं वो अलर्ट पर रहे, हो सके उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बाहर निकले। सर अभी फिलहाल यहाँ पे मतलब कितनी नावें और कितने यहाँ पे लोग आ चुके हैं वहाँ? जी हमारे NDRF की एक टीम आई है जिसमें 25 हमारे जवान हैं रेस्क्यूअर्स हैं और हमारे पास 4 बोटें आई हैं और जितने भी इसका इक्विपमेंट हमारे रिलेटेड है बोट से हमने अपने साथ लाया है और हमारी नेक्स्ट अलर्ट में रही है, जैसे वहाँ से कुछ सूचना मिलता है हम तुरंत यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करें। फतेहपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। दरअसल कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बाइकों की अर्थी निकाली और पूरे शहर का पैदल भ्रमण करके विरोध जताया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में दफ्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। तो बता दें महंगाई को लेकर कांग्रेस का यह अनोखा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। पेट्रोल डीजल के दामों के चलते बाइकों की अर्थी निकाली और तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन जताया है। फतेहपुर का पूरा मामला है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती पेट्रोल डीजल की मांगों को लेकर एक ठेले पे बाइक की अर्थी निकाली है और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी भी की है। मथुरा में देश की आजादी में अपनी जान तक न्योछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज जगह जगह जिला प्रशासन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मथुरा के SSP गौरव ग्रोवर, SP सिटी MP सिंह के साथ CO वरुण कुमार और SO गोविंद नगर विजय कुमार ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके साथ ही पुलिस मॉडर्न स्कूल के साथ GIC के बच्चों ने देशभक्ति के गानों की धुनों को बजाकर अपनी सलामी भी दी है। वहीं इस मौके पर SSP ने बताया कि आज हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है और अपनी जान न्योछावर करके हमको आज़ादी दिलाई है। देखिए आज जो हम इस आज़ाद और खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं ये उन लाखों करोड़ों अमर शहीदों आज़ादी के परवानों के बलिदान के कारण ही सफल हो पाया है।
आज वो दिन है कि जब हम उन परवानों को, उन बलिदानियों को याद करें, उनके द्वारा जो एक अपने देश का, भारत का जो एक सपना संजोया गया था, उस सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक देशवासी अपना योगदान डाले। कैसे हम अपने देश को और ऊंचाइयों और बुलंदियों और विश्वगुरु बनाने की जो राह है उस पर ले जा सकें। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज के इस दिन को मनाया जा रहा है, अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में मथुरा में भी आज यहाँ पर जो हमारे पुलिस मॉडर्न स्कूल और GIC के और बाकी जो बच्चे हैं, ये सभी लोग 21वीं सदी के बच्चे हैं, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर बैंड की प्रस्तुति दी गई है। आज़ादी के वो गीत दोबारा से यहाँ पर सुनने को मिले हैं। मैं इन बच्चों को भी बहुत बधाई दूंगा और आश्वासन और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बच्चे आज़ादी के उन परवानों के किए गए कार्यों से प्रेरणा लेंगे और आने वाले दिनों में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वहीं वैसे वैसे सपा, बसपा और भाजपा सभी पार्टियां ब्राह्मणों को एकजुट करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन करके उन्हें लुभाने की कोशिशों में जुटी हुई है। वहीं मथुरा में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता दीपक गौड़ ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से बसपा या BJP ने ब्राह्मणों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उससे आज पूरा ब्राह्मण समाज का शोषण हुआ है। फिर चाहे उसमें रायबरेली में 5 ब्राह्मण को जिंदा जलाने का मामला हो या फिर कानपुर के विकास दुबे का, जिसे फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था, लेकिन माना है कि जो वो बदमाश था, अगर उस खुशी दुबे का क्या दोष है जिसकी 4 दिन पहले ही शादी हुई थी, फिर भी आज तक वो जेल में है। वहीं दीपक गौड़ ने यह भी कहा कि चाहे BJP हो, बसपा हो, दोनों ही सरकारों ने सिर्फ ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया है। हालांकि दीपक गौड़ सपा पर खुलकर नहीं बोले, मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी का ब्राह्मण समाज जरूर बता देगा कि ब्राह्मणों के साथ ठगी करने और उत्पीड़न करने का नतीजा क्या होता है। मैं इस वक्त वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासंघ का प्रवक्ता भी हूँ राष्ट्रीय। देखिए, वर्तमान सरकार से हम ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी और ब्राह्मणों ने इनका साथ बहुत भरपूर तरीके से दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार अपने वादों पर, अपने जो इसकी घोषणा थी जो ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहिए, उसमें बिल्कुल नाकाम और निष्फल रही। क्योंकि ब्राह्मणों को क्या चाहिए आप बताइए? ब्राह्मणों के सम्मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ ब्राह्मणों का उत्पीड़न होना शुरू हो जाए, वो राज्य, वो CM हो या पुराने राजा हो, कोई कभी रहा नहीं है जो ब्राह्मणों का सम्मान ना कर पाए, ब्राह्मणों को जिसमें अपने आप को ब्राह्मण अपने को हीन भावना का शिकार समझे, तो ऐसा राज्य ना कभी राज्य पनप सकता, ना कभी कोई राजा पनपा है ना पनपे। यूपी में एक बार फिर से IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। बता दें, पीलीभीत से पुलिस अधीक्षक किरीट राठौर को आगरा ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं IPS दिनेश कुमार पीलीभीत के अब नए कप्तान होंगे। तो बता दें, बड़े स्तर पर पीलीभीत में IPS अफसरों का तबादला हुआ है और एक बार फिर से पीलीभीत के IPS अफसर को बदल दिया गया है। बता दें, पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक किरीट राठौर को आगरा ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि IPS दिनेश कुमार अब पीलीभीत के नए कप्तान होंगे। महाराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र में छोटी गंडक नदी में 7 साल का बच्चा डूब गया। कई घंटों तक मछुआरों की तरफ से लगातार नदी में लापता बच्चे की तलाश की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि लापता बच्चा अपनी मां और मौसी के साथ छोटी गंडक नदी में नहाने के लिए आया था और नदी में डूब गया। वहीं परिजनों का रो रो कर इस पूरी घटना के बाद से बुरा हाल है।
सुल्तानपुर में आज आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नगर पालिका परिसर में शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की गई, जिसके बाद प्रभात फेरी निकालकर लोगों को शहीदों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी कर्मचारी प्रभात रैली में शामिल हुए। वहीं शासन के निर्देश पर नगर पालिका परिषद से आजादी के अमृत महोत्सव के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर में भी इसकी शुरुआत की गई। CDO अतुल वत्स और SP विपिन मिश्रा ने सबसे पहले शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, उसके बाद प्रभात फेरी निकाली गई और खुद CDO और SP कर्मचारियों और बच्चों के साथ इस प्रभात फेरी में शामिल हुए। वहीं नगर पालिका से राम नरेश त्रिपाठी सभागार तक रैली का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही CDO अतुल वत्स और SP विपिन मिश्रा ने कहा कि आने वाले सालों में हम लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उसी के लिए लोगों को जागरूक करने, शहीदों को नमन करने के लिए शासन के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही जिले में जो भी शहीद है और जहां जहां उनकी प्रतिमाएं लगाई गई है उसी पर रूट चार्ट बनाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को शहीदों के बारे में जानकारी देकर उन्हें नमन भी किया जाएगा। साथ ही 75वीं वर्षगांठ के प्रति अभी से ही लोगों को उत्साहित किया जाएगा। आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ हम लोग नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए अभी से लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने शहीदों को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी शहीद हैं आपके जनपद से जो संबंधित हैं उनकी प्रतिमाएँ जहाँ जहाँ लगी हैं वहाँ से हम लोग अपना रूट चार्ट बनाएँ, लोगों को जागरूक करते हुए जाएँ, उन शहीदों को नमन करें और प्रयास करें कि लोगों को हम लोग अपने 75वें जो वर्षगांठ आने वाली है उसके बारे में जागरूक करें। कैसा प्रोग्राम हो रहा है ये काकोरी शहीदों की याद में? ये अमृत महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज सारे शहीद स्मरणों की साफ सफाई और उन पर माल्यार्पण तथा प्रभात फेरी का कार्यक्रम है, उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फतेहपुर में पुलिस ने सराहनीय काम किया है। दरअसल साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए लोगों को उनके रुपए वापस कराए हैं। बताया जा रहा है कि ठगों ने KYC वेरिफिकेशन के नाम पर पीड़ितों के खाते से पैसे निकाल लिए थे, जिसके बाद पीड़ितों ने इसकी शिकायत की थी। वहीं शिकायत के 90 दिनों के अंदर ही साइबर सेल की तरफ से पीड़ितों को उनके पैसे वापस मिल गए हैं। तो बता दें फतेहपुर पुलिस ने सराहनीय काम किया है। दरअसल काफ़ी लंबे समय से लोग KYC के नाम पर ठगी का शिकार हो रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन मोड में आते हुए सभी के पैसे वापस लौटवाए हैं। बागपत के कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है, जहां पर पुलिस की तेज रफ्तार डायल 112 गाड़ी ने एक किसान को रौंद दिया। वहीं किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद किसान की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने किसान के शव को लेकर DM ऑफिस पहुंचे और जमकर वहां पर हंगामा किया। वहीं इसी दौरान 5 थानों की फोर्स को भी बुलाया गया और बताया जा रहा है कि माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। तो बता दें बागपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। पुलिस की गाड़ी ने ही किसान को रौंद दिया है, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं किसान की मौत से गुस्साए परिजनों ने पुलिस थाने के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन जताया, खूब देर हंगामा किया और बताया जा रहा है कि अभी भी माहौल वहां पर तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि मौके पर 5 थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया है। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से किसान की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया है और ऐसे में लगातार हंगामा परिजनों की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर 5 थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।